इस तरह का अनाउंसमेंट माननीय गृह मंत्री के द्वारा उस दिन किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक मांग में तो हमको लगता है ये मांग पूरा ही हो चुका है, और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण की बात है कि हम लोग जब जन्म लिए यहाँ पर तो उस समय शाहबाद जिला था, शाहबाद जिला था, बहुत बड़ा जिला, और एक चला एक बात चली कि प्रशासनिक रूप से जो बड़े बड़े जिले हैं उनको बंटवारा किया जाए और छोटे प्रशासन बढ़िया से चुस्त दुरुस्त करने के लिए उनको छोटा किया जाए, सभी जिला बड़े इस तरह से बटे आपस में। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि आज भी ये शाहबाद जिला प्रशासनिक रूप से जरूर बट गया है लेकिन दिल का बंटवारा नहीं हुआ, और आज भी लोग शाहबाद के रूप में जानते हैं। तो शाहबाद को कमिश्नरी बनाने के लिए हम सभी विधायक गण और सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे जिस रूप में हो इसमें भागीदारी लेंगे, और हम इसके बाद जिस दिन अभी बजट चलेगा कम से कम ये बजट सेशन जब चलेगा फरवरी मार्च में, तो उसमें मैं सभी अपने यहाँ के विधायकों से चाहे किसी भी दल का भी हो, मैं तो बराबर कहता हूँ कि उम्मीदवार पार्टी का होता है लेकिन जनप्रतिनिधि माटी का होता है, और इस माटी के लिए हम लोग सभी लड़ेंगे चाहे जिस दिन का, और एक दिन का धरना भी हम लोग वहाँ देंगे ताकि सरकार का ध्यान और विधान परिषद विधानसभा का ध्यान इसको आकर्षित किया जाए और इसको जिंदा किया जाए। जगह की हम लोग दिए थे हाउस में, इसको दिए हुए हैं अलग एक कमिश्नरी बनाने का, और मांग सरकार के पास अभी भी लंबित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, किस माने में महत्वपूर्ण है कि ये शाहबाद नाम जिंदा रहे और शाहबाद महोत्सव मना करके इसको अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया और इसकी दिशा में आगे कदम बढ़ाया है, इसका स्वागत है। और दो दो मांग और भी है, क्या है तो जो बनेगा वो एक तो शहीद स्मारक ही बनेगा, उसमें रहेगा पूरे शाहबाद के लोगों का नाम रहेगा उसमें। ये माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि सभी यहाँ के जो एक से एक वीर पैदा हुए, एक से एक वीर पैदा हुए, और ये उस माँ के लिए ये गर्व की बात हुई, जैसे हमने अभी सम्मानित किया, मैंने बच चुके उस माँ का प्रणाम किया कि ये गर्व की बात है ना कि यहाँ का लड़का शहीद हुआ उसको